व्यक्ति कैसे सीखता है। सीखने की प्रक्रिया दो बातों पर है। पहला, व्यक्ति के अंदर ललक कितनी सीखने की, और दूसरा एक माहौल है क्या जिसमें व्यक्ति को सीखने में मज़ा आए, सीखने का एनवायरनमेंट मिले। तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर इन योर इन्वॉल्वमेंट, योर मोटिवेशन, योर विलिंगनेस टू लर्न कंबाइंड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। आप तभी सीख सकते हैं जब आपके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति है और साथ में आपको एक अच्छा माहौल मिल गया, एनवायरमेंट मिल गया, सपोर्ट मिल गया, सहारा मिल गया, तो आप फटाफट सीखते जाएंगे। कई बार व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति से ही सब सीख लेता है। एकलव्य कोई सिखाने वाला नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से वो इतना सीख गया कि पूछिए मत। तो यहाँ लर्निंग इज बेस्ड ऑन इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और कई बार लर्निंग इस बात पर डिपेंड करती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशन, सराउंडिंग। आपको एक ऐसे घर में जन्म मिल गया जहाँ हर व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, नौकरी मिल जाए तो भी पढ़ाई कर रहा है, देन यू आर फॉर्चुनेट, योर लर्निंग इज प्रमोटेड बाय योर कल्चर। लर्निंग इज आउटकम ऑफ कल्चर, यहाँ लर्निंग कल्चर का परिणाम है। लर्निंग इज एन एक्सपीरियंशियल प्रोसेस, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से सीखते हैं। ज़्यादातर लोग सीखते हैं प्रैक्टिकली, एक्सपीरियंस करके। कई लोग होते हैं जो सैद्धांतिक रूप से भी सीख लेते हैं, किताब पढ़ी समझ में आ गया सिद्धांत प्रिंसिपल। सम पीपल अंडरस्टैंड इट बाय मल्टीपल मीन्स, वो देख करके, सुन करके, प्रैक्टिकल काम करके, रेडियो पे खबर सुन करके, किताब पढ़ के, सब तरह से सीखते हैं। So you can adopt any style depending upon your own background, your own temperament. But learning must change in behavior. And change starts like this. First, it's the attitude which change, then behavior, and there is habit formation. सबसे पहले जैसे ही आपको ज्ञान मिलता है आपके attitude में बदलाव आता है, आपको सही और गलत का फर्क नज़र आता है, आप गहराई से चिंतन करना शुरू कर देते हैं। एटीट्यूड में बदलाव, एटीट्यूड में बदलाव के बाद आता है बिहेवियर में बदलाव, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव, और लास्ट में वो चेंज हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट्स, हम कोई काम बार बार करेंगे हैबिट बन जाएगा। व्हेन इट इज हैबिट लर्निंग इज कंप्लीट। फिर वापस नई लर्निंग के लिए हैबिट्स को इग्नोर करिए, हैबिट्स को तोड़िए और नई चीज़ें सीखिए। लर्निंग री लर्निंग गो टुगेदर। आई वुड ऑल्सो एड लर्निंग डी लर्निंग री लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखा, डी लर्निंग जो सीखा उसको इग्नोर करो, भूलो, ताकि वापस कुछ सीख सकें, फिर री लर्निंग दोबारा से सीखा। और तभी सीख पाएंगे जब माइंड खाली होगा, मस्तिष्क पहले से भरा हुआ है तो सीख नहीं पाएंगे। तो मन में एक पहली इच्छा शक्ति जागनी चाहिए, आई हैव टू लर्न, नहीं सीखेंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो लर्निंग में इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए कई काम किए जा सकते हैं, जैसे व्यक्ति को सफल व्यक्तियों से इंटरेक्ट कराना, व्यक्ति को लर्निंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, सीखने से उसे क्या फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में बताना आदि।